भाइयों बहनों, आज हम बना रहे वज्री, मराठी में वज्री बोलते हैं, हिंदी में गोटी का सामान बोलते हैं और इंग्लिश में गोट ट्राइब बोलते हैं। अभी ये हमने ये दिखाओ, इधर आओ, ये देखो, ये पूरा हम पानी, भाई मेरी तरफ देखो, अभी ये पूरा हम इसमें डालेंगे, अभी उबाल रहे। ये दो बकरे का है, एक बकरे का नहीं, दो बकरे का है। पानी गरम, ये देखो, इसमें पानी थोड़ा निकाल देते हैं अभी, और इसमें हम डालेंगे, जब पानी गर्म हो रहा है तो पानी निकाल देते हैं। ज्यादा हो गया पानी, अभी क्या करेंगे हम, इसमें नींबू डालेंगे। नींबू डालेंगे और इसको पकाएंगे, फिर इसको धो लेंगे अच्छे तरह से, और उसका आगे का रेसिपी मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसा बनाना है, बहुत टेस्टी बनाऊंगा और आप लोगों को मजा आएगा खाने के लिए। ये रेसिपी है ना, बहुत तगड़ी तगड़ी रेसिपी है, आपको दिखाऊंगा मैं, और ये खाने में इतना मजा था, मटन 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 भी टेस्टी नहीं लगता है, उससे ज्यादा ये टेस्टी लगता है। हाँ, और मेरे पूरा वीडियो पूरा स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है आप लोगों ने। अभी दो बोटी का सलाद है, हमने अभी क्या करते हैं, लाल मिर्च लेते हैं, तीन चम्मच लेते हैं लाल मिर्च, तीन चम्मच, और गरम मसाला है, ये गरम मसाला है, गरम मसाला लेते हैं, दो चम्मच लेते हैं गरम मसाला, और हमारे पास ये है, ये देखो, ये चटनी है, ये मसाला चटनी है, ये लेते हैं तीन चम्मच मिक्स है, और प्याज ले रहे हैं हमने, दो चार छः प्याज लिया है, कोरिएंडर है, हरी मिर्च है, और एक लहसुन है, अदरक है। हाँ, इसके बाद ये तब तक पक रहा है, ये पक रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, ये पूरा ये प्याज काटेंगे और ये सब कूटेंगे, ये और लहसुन और ये कूटे हरी मिर्च कूटेंगे और इसमें मसाला पूरा बनाएंगे, समझ में आया, पूरा मसाला बनाएंगे, ये तब तक पकने, ये पूरा अभी ये गरम गरम किया हमने, इसको धोएंगे अच्छे तरह से धोएंगे, समझ में आया, और ये धोने के बाद ये थोड़ा पकने दो, तब तक हम पूरा ये इसमें मसाला बनाएंगे, और जब आगे का रेसिपी मैं बताऊँगा आप लोगों को। अभी हम डालेंगे तेल, इसमें तेल डाल रहे हैं, तेल है और साथ साथ दर्द। अभी ये पूरा मसाला इसमें हम क्या करेंगे, ये पहले प्याज को भुनेंगे इसमें, और ये मसाला डालेंगे, ये अभी पक रहा है अभी भी, इसको धोएंगे तीन चार बार धोएंगे ठंडे पानी से अभी, तब उसके बाद इसमें डालेंगे, तब तक ये मसाला मैं बना रहा हूँ, ये वाला पूरा मसाला पका रहा हूँ तेल के अंदर, और ये धोएंगे तीन चार बार ठंडे पानी से, और उसके बाद हम क्या करेंगे,
अगला कार्रवाई बताएंगे। और ये जो पेस्ट है देखो अपने पास, अदरक लहसुन की पेस्ट है, हरी मिर्च की पेस्ट है, समझ में आया? ये देखो पूरा, ये अदरक लहसुन पेस्ट डाल रहे हैं, अभी ये देखो ये पूरा मसाला डालेंगे हम, ये अभी पक रहा है, इसको धोएंगे। पूरा मसाला डालते हैं, गरम मसाला, काली अपना टिक्का, ये लाल मिर्च पाउडर, और इसमें सब भुनेंगे अच्छी तरह से। ये दिखाओ नीचे, दिखा नीचे। अच्छा हाँ, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा, ये पानी डालते, ये अपना मसाला हो गया मसाला, ये देखो पूरा मसाला, इसको पकने दो। तब तक इसको हम इसको धोएंगे, इसको ठंडे पानी से धोएंगे पकला। ये देखो मसाला पक गया, इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे, तब तक ये पकता रहेगा, इसके अंदर पकेगा, ये पकेगा, और इसको हम धोएंगे फर्स्ट क्लास। अभी ये भी डालेंगे इसमें, हरिया धनिया डाल दिया, समझे? अभी इसको हम धोएंगे अच्छे तरह से, 3-4 बार धोएंगे। अभी इसमें हम डालते हैं और थोड़ा थोड़ा करके ठंडे पानी से धोएंगे इसको, ये धोएंगे और इसमें डालेंगे, धोने के बाद इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके धोते हैं, समझ में? अभी हाँ, अभी हमने 2 बार धो लिया है, और एक बार धोएंगे इसको, और एक बार धोएंगे, इधर देखो नीचे, इसको 2 बार धोए हम, और एक बार धोएंगे। दोनों हाँ, अभी ये धोया हुआ है हमने, ये डालते हैं इसमें कढ़ी में, और इसमें डालते हैं, इसको पकाएंगे कम से कम 1 घंटा। अभी 1-45 मिनट्स मेरे तरफ देखो, 45 मिनट्स 45 मिनट उसको पकाएंगे अच्छे तरह से, और ये बन जाएगा। आपको दिखाए खाते समय, आपको दिखाएंगे, ये देखो, ये देखो आपको दिखा। ये अभी फर्स्ट क्लास बन चुका है हमारा, ये अभी बोटी गोट ट्राइप बन चुका है, ये देखो कितना फर्स्ट क्लास बना है, आप खा सकते हैं हम। और ये देखो थोड़ा नींबू लेना है अपने, नींबू लेना है, नींबू और प्याज लेना है, इसके साथ खाना है फर्स्ट क्लास। ये देखो बोटी, बोटी का सलाद फर्स्ट क्लास हो गया, खाओ भैया ऐश करो। और इसको लेके हम जा रहे हैं खेतों में जा रहे हैं, अभी ये देखो ये पूरा लेके जा रहे हैं, टन बनाएंगे, ये देखो ये पूरा लेके जा रहे हैं, और ये इसको भी लेके जाएंगे, और हम जाके बनाएंगे, कहाँ जाएंगे, और खेतों में जाके सब कुछ बनाएंगे, खाएंगे फर्स्ट क्लास। ये देखो, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे रेसिपी मैं बनाता रहूँगा। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू।